जानवी जानवी तू कहीं ये डीएनए रिपोर्ट तो नहीं। अरे ऐसे कैसे दुल्हन शादी के फेरे छोड़ के चली गई? ओफो, अब वहां क्या नया तमाशा हो गया? इस डीएनए रिपोर्ट से पता लगेगा कि आखिर की आन का पिता है कौन। कैसे हो सकता है? क्यान का पिता? मुझे अभी के अभी जाके सुयश को ये बात बतानी होगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे मेरी जान के बाद जाने दो। क्यान, हाँ छोड़ो बेटा, हाँ छोड़ो। अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। हुई भला, एक बच्चा नहीं मिल रहा तो क्या ब्लडी फेरे बीच में छोड़ देगी? अरे मिल जाएगा ना बच्चा? नहीं, कियान के मिलने तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। कियान, आ रही है? दादी मैं जाती हूँ। क्या क्या हुआ? पुष्कर कियान नहीं मिल रहा, उसे ढूंढने जा रहे हैं। बच्चा है, खेल रहा होगा कहीं पे, मिल जाएगा। इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं। शादी छोड़ के नहीं जाते। अरे पर जान भी। चल। कियान यहाँ है। प्लीज आके बचाओ उसे, बचाओ, प्लीज बचाओ। कियान? 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 प्लीज बचाओ, ये पागल आंटी इसे लेकर जा रही है। कियान? कियान आओ बेटा। प्लीज आके बचाओ उसे, ये पागल आंटी इसे लेकर जा रही है। छोड़ो, छोड़ो, कियान, छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को। कहाँ लेकर जा रही हैं आप उसे? छोड़िए इसे, कियान मेरा बच्चा है। मुझे पुष्कर भैया ने बताया था कि वो मेरा बेटा है। बोलो मेरा बेटा है या नहीं? ज्ञान, कहाँ ले जा रही है हमारे बच्चे को? क्या चाहिए आपको? मास्टिंग यू, कहाँ ले जा रही थी हमारे बच्चे को? और आप वो कौन? इससे शादी कर रही हो तुम? जानती भी हो ये कौन है? Thank you.
क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? तुम होश में भी हो? वो कौन तुम? मैं अनुष्का जोशी, जानवी जोशी की बड़ी बहन, कियान की असली माँ। मैंने ही जन्म दिया है कियान को। लिसन, ये बकवास करनी बंद करो, ओके? माँ हो कियान की, जानवी से बताओ कियान की माँ तुम हो, बताओ इसे। झूठ बोलना ना बंद करो, कियान की माँ जानवी है, ओके? अरे सर, आप शॉक क्यों हो रहे? मैंने तो आपको बताया था ना कि कियान मेरा नहीं बल्कि अनुष्का देखा बच्चा है। What the hell, जानवी? Hold on. तुमने मुझे कब बताया? कब? सर, उस दिन ब्रिज सर के पूजा वाले दिन जब आपने जोश में आकर मुझसे शादी की, उसी के ठीक बाद मैं आपके कमरे में आई थी आपको बताने के लिए। मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि बच्चा अनुष्का दी का बेटा है। यार एक मिनट यार, क्या बोल, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या बोल रही हो? दूर दूर तक मुझे कुछ, ये औरत यहाँ आके बोलती है कि ये कियान की माँ, मैं कियान का बाप हूँ, हाउ तो हाउ इज इट पॉसिबल? ना झूठ बोलना बंद करो। मैं नहीं हूँ उसका बाप, इट्स इज नॉट पॉसिबल। ये एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसका बाप कौन है? और अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं सबूत भी लेकर आऊंगी। सबूत है? अश्वला दी, सबूत है मेरे पास। आप ये बोल रहे हैं? कैसा सबूत? हाँ, आपको सबके बारे में ऑलरेडी पहले से पता था। हमें सच का कल पता चला, आ रहे कि जानवी कियान की माँ नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन अनुष्का है। सच के बारे में कोई और भी जानता था, उसने खुद को कियान का पिता बताकर जानवी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। What? उसे धमकाया और उसने कहा कि अगर जानवी ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो कियान को उससे छीन लेगा। वो जानता था कि जानवी एक बहुत बड़े खानदान की बहू बनने वाली है, शायद इसी बात का उसने फायदा उठाया। जब हमें पता चला कि अनुष्का कियान की माँ है, तो हमने उसके
पिता का पता लगाने की कोशिश की। उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रही है आलिया। कियान और बाकी सारे लोगों का ब्लड टेस्ट करवाने की वजह भी यही थी। हम बस ये पता करना चाहते थे कि कियान के डीएनए के साथ किसका डीएनए मैच होता है। और जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए तो कियान का डीएनए तुझसे मैच करता है। आर्य, अनुष्का सच कह रही है, कियान का पिता तेरा जद्दू है। मेरे यकीन करो, मुझे नहीं पता ये सब कैसा है। बिलीव मी, क्या मेरी बात प्लीज मेरे यकीन करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ये डीएनए आर्या सर, मेरे लिए इस वक्त मेरा बच्चा ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सच इस तरह पता चलेगा। जानवे, मुझे नहीं पता कियान पर क्या सदमा लगा होगा, मुझे उसे देखना है। How is this possible? कैसे हो सकता है?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तो नहीं पिताजी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा पापा, दादाजी, जो कुछ भी अभी अभी हमारे सामने आया है, इस पर गौर करना और ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। पर यहां पर नहीं, आर्या की शादी में बहुत सारे मेहमान आए। किसी को भी अगर सच्चाई की भनक पड़ गई तो मुसीबतों का पहाड़ आ सकता है, और बुंदेला खानदान की बदनामी होगी, ये अलग। हम सबको घर जाकर इस बारे में बात करनी होगी। मुरली जी, सारे मेहमानों को घर भेज दो, और सच्चाई के बारे में किसी को भी भनक ना हो, ध्यान रखना। जी तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सच ठीक कह रहा है। हमें घर जाना चाहिए। चलिए चलिए पिताजी।
आपके बिना नहीं रह सकती। ये आप मेरे कियान हो, आप मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे हो, आप मेरे साथ ही रहोगे, आप मेरे हो। तो जान, वो आंटी झूठी है ना? आप ही मेरी सच्ची वाली माँ हो। वो मेरी माँ नहीं है ना? आपको वो कहानी याद है जो मैंने आपको सुनाई थी कृष्ण भगवान की? आपकी कहानी ठीक कृष्ण भगवान जैसी है। देवकी माँ ने कृष्ण जी को जन्म दिया था और यशोदा माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक वैसे ही कियान, वो आंटी आपकी देवकी माँ है और मैं यशोदा मैया, जिसने आपको माँ सा प्यार दिया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया। ज्ञान, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ज्ञान, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको बाद में सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी, सब कुछ। बस आप मुझे प्रॉमिस करो, आप एक गुड बॉय बनकर इस कमरे में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। मैं आपको बाद में आकर सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है? नहीं जान, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके साथ ही रहना है। अगर वो आंटी मुझे आपसे दूँ? ऐसा नहीं होगा जान, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझे आप? आप डरो मत, आपको याद है ना जान, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो जो सुमिरे हनुमत बल बीड़ा। शाबाश मेरे जान, बस ऐसे ही बजरंगबली का नाम लेते रहना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ ओके, मैं बस अभी आई थोड़ी देर में। डियर हनुमान जी, मुझे सिर्फ जान के साथ रहना है, मुझे सिर्फ जान चाहिए, इनसे अलग नहीं हो सकता। हनुमान जी, ये हनुमान ज्ञान गुण जाकर जय कपिष्टि लोक हो जाकर राम दूत अतलिक बल दामा अंजनी पुत्र पवन सुतरामा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने कियान को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी।